क्या नाम रहे उनको? झब्बू। उनका नाम झब्बू। सुशीला। हमार नाम कौशिल्ला। कौशिल्ला। अच्छा का भेल रहे? दारू पिए ले रहा। कहाँ से पी ले रहा? ये ठीको पर से। क्या नाम ठीका का? ये माहौल में। माहौल में। अच्छा पीले के बाद का भेल? पीले के बाद चक्कर से आवत रहा है। चक्कर आवे लगल। ये मुड़वा पकड़ ले। अच्छा। सुई दवाई तब से दवाई यहाँ से ये कैली आजमगढ़ झाइयो सो खाई देखौली हम कही के हाँ? के जाने कुछ हो खा उल्टी दस बारह कैले न उल्टी करत करत दस ठे उल्टी खून गिर रहा। अच्छा। हाँ उल्टिया करत करत खूनवा गिर। अच्छा ये कब से था? कहिया पीना है? कल या आज में? छह बजे रात काल की बात बतावा। काली लड़की है। काली पी लेना है। हाँ काली कई बात क्या बाबू? अच्छा काली सांझ के पी ले। कल सांझ के मरने कहिया? आज। आज 2 बजे। आज तोरे आरी बगले भी पूजने सब मरे लगल है तब पता चलल है के जने आरी बगले तोरे मर। अब इन तो हम आजमगढ़ से आवत है भैया। आपको जानकारी नहीं है? चार लोग मरे। चार लोग मरे। अच्छा यहाँ डीएमओ एसपी आलन है बात तो भेल तो लोगों से? हम से ना ही बात ना भेल। नहीं हम से ना बात भेल है। हम लोग रहे सब बात भेल। चला तो तू का चाहत हो? का चाहत मांगूंग हो कि जे मरले उल्ले मतलब जे जारी सलाह से जो मरल हुए हैं ओके को कोनो कार्रवाई वगैरह होए? अरे काम अब हुआ अब हमें अब ऐसा मार नहीं है पी आई और जब पीए वाला है तो मानी ना पीए तो जाए जरूर अपन बतुआ करा कि का चाहती है उन्हें। कि यहाँ पे कच्ची शराब पीने से कुछ लोगों की डेथ हुई है। प्राइमरी जो अभी हम लोगों ने देखा है उसमें हमारे अधिकारियों ने तस्दीक करके बताया कि 5 डेथ्स अभी रिपोर्टेड हैं और 4 लोगों को CHC के माध्यम से हॉस्पिटल में रेफर किया गया है और साथ में एक सर्वे भी यहाँ पे कराया गया। जिन जिन लोगों ने इस ठेके से शराब लिया था तो उनको भी हम लोग एज ए प्रिकॉशनरी मेजर सबको 8-9 लोगों को जबकि उनकी स्थिति ठीक है लेकिन उनको उपचार के लिए अस्पताल भेजा है। सर इसमें लापरवाही कुछ? देखिए अभी तो जिस हम भी मौके पर पहुँचे इसमें जो भी दोषी होंगे उसमें बहुत ही कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी और इमीडिएटली जैसे मुझे बताया गया कि यहाँ जो सेल्समैन है उनको पकड़ लिया गया है और इस पर अभी पुलिस पूरी तरीके से लग गई और बहुत जल्दी जितना जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करा के NSA की कार्रवाई कराई। आरोप लगा रहे हैं सरकारी टीके की दुकान से ऐसा हुआ है? देखिए अभी जस्ट हम पहुँचे हैं जो भी इसमें दोषी होगा इसमें NSA की कार्रवाई कराई जाएगी। सर ये आंकड़े कितने तक बढ़ सकते हैं? देखिए जैसा अभी हम भी आपके साथ मौके पर पहुँचे हैं हमारी पूरी टीम लगेगी जिन जिन गाँव में लोगों ने यहाँ से पिया होगा जो गए होंगे तो 1-1.5 घंटे के बाद मैं आपको स्थिति से सही बता पाऊँगा। सर ये अभी हम लोगों ने देखा है इसमें हमारे अधिकारियों ने तस्दीक करके बताया कि 5 डेथ्स अभी रिपोर्टेड हैं और 4 लोगों को CHC के माध्यम से हॉस्पिटल में रिफर किया गया है और साथ में एक सर्वे भी यहाँ पे कराया गया। जिन जिन लोगों ने इस ठेके से शराब लिया था तो उनको भी हम लोग ऐसा प्रिकॉशनरी मेजर सबको 8-9 लोगों को जबकि उनकी स्थिति ठीक है लेकिन उनको उपचार के लिए अस्पताल भेजा है। सर इसमें लापरवाही कुछ? देखिए अभी तो जिस हम भी मौके पर पहुँचे इसमें जो भी दोषी होंगे उसमें बहुत ही कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी और इमीडिएटली जैसे मुझे बताया गया कि हाँ जो सेल्समैन है उनको पकड़ लिया गया और इस पर अभी पुलिस पूरी तरीके से लग गई और बहुत जल्दी जितना जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेगा। सर आरोप लगा रहे हैं सरकारी ठेके की दुकान से ऐसा हुआ है? देखिए अभी जस्ट हम पहुँचे हैं जो भी इसमें दोषी होगा उसमें NSA की कार्रवाई कराई जाएगी। सर ये आंकड़े कितने तक बढ़ सकते हैं? देखिए जैसा अभी हम भी आपके साथ मौके पर पहुँचे हैं हमारी पूरी टीम लगेगी जिन जिन गाँव में लोगों ने यहाँ से किया होगा जो गए होंगे तो 1-1.5 घंटे के बाद मैं आपको नहीं बता। ठीक सर ये अभी पिछले कुछ महीनों BSP से फूलपुर पौड़ी विधानसभा से प्रत्याशी के रूप प्रत्याशी आपके मौके पर आप आए हैं यहाँ क्या मामला है? यहाँ सुबह से मुझे खबर मिली मैं सुबह में आया भी था 2-3 मृत्यु सुबह में हुई थी उसके बाद पता चला कि यहाँ शराब जहरीली शराब पीने से लोगों की मृत्यु हुई है और इस वक्त समय तक लगभग 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 10 लोग हमारे साथ ये 10 लोगों की मौत हुई है तो आप प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि कुछ कम लोगों की संख्या गिनाई जा रही है क्या कहेंगे इस पर? अब प्रशासन के लोग क्या कह रहे हैं ये तो मैं नहीं कह सकता लेकिन आप भी यहाँ उपस्थित हैं हम लोग इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं इसी के बगल में 500 मीटर पे मेरा घर है
मैं स्वयं जानता हूं कि यहां पर तमाम जो मौतें हुई हैं, लगभग 10 मौतें हो चुकी हैं सहरेपुरा में, मोतीपैर में, दो यहां पर जो है कोटाना और खटकाना मिलाकर के, रसूलपुर में, ये सारी मिलाकर के 10 मौतें लगभग हो चुकी हैं। और प्रशासन से मैं अपेक्षा करता हूं, मैं मांग करता हूं कि ऐसे घृणित कार्य करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, उनके साथ किसी भी तरह की नरमी नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का जो है उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होना चाहिए। मामला सरकारी शराब की दुकान थी या क्या? जी जी जी। अब यहाँ तो लोग बता रहे हैं कि जो यहाँ बगल में सरकारी शराब की दुकान है, सारे लोगों ने वहीं से शराब लेकर के पी थी, जिसके कारण वो मौत हुई है और तमाम लोग काफी बीमार हैं, आईसीयू में हैं, उनकी आंख की रोशनी खत्म हो गई है। परिजनों से मतलब क्या आपकी सांत्वना है, परिजनों को क्या कहेंगे? परिजनों के प्रति मेरी बहुत ही सांत्वना है, परिजनों का जो नुकसान हुआ है मैं उसके प्रति बहुत ही दुखी हूँ, और ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको जो है संतोष दे और उनकी क्षतिपूर्ति को कहीं न कहीं से पूरा करे। कितने लोग अभी आप तो ऐसी कोई सूचना मिली कि कितने लोग यहाँ पे? लगभग 10 लोग। 10 लोग जी।